हेलो दोस्तों, दिस इज अशोक कुमार सैनी। अशोक की ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथ के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये करना, फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी नोट डाउन कर रखी है सॉल्व करके, ताकि आपको फास्ट से ये समझ में आ सके, समझ सको। तो प्रॉब्लम जो है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x² + 96। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी याद करना है और मैक्सिमम मिनिमा कहां पे वैल्यू वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं कि कैसे करना है, इसका मेथड क्या है। मेथड ये है कि इसका हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करने के बाद एफ डैश करेंगे, यानी मतलब एफ डैश को फिर जीरो पुट कर देंगे। इससे हमारी जो इक्वेशन है उससे हम इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर एक बार फिर डिफरेंशियल करेंगे, और जो डिफरेंशियल सेकंड बार डिफरेंशियल करेंगे उसमें जो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वहां पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि नेगेटिव आएगी तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आएगा मिनिमम होगा, और वहां पे वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो एफ डैश कर लिया मैंने, वेरी इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश करेंगे, एफ डैश करना आपको आता है, क्या आता है, एक्स थ्री का हो जाएगा क्या, 3x² + 18x² + 36x + 96x का हो जाएगा ओनली 96। इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सेकंड हमारी आई, इसमें एफ डैश हम जीरो कर देते हैं। तो हमारी क्या जाएगी, देखो यहाँ पे 3x² - 36 + 96 = 0। ये इसको हम, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक सिंपल ये विद फॉर्मूला, ये कौन कौन विद दी, 8th क्लास में 7th क्लास में आपने 9th क्लास पढ़ी होगी, जहां भी पढ़ी है। तो इसका क्या, इसको हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसको क्या मैं 3 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो 3 से डिवाइड किया, x² - 12x² + 32 = 0 आ गया। अब इसको हम क्या करें, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स किया मैंने, क्या हो जाएगा, ये 12 को लिख लिया मैंने, क्या x² - 12 को लिख लिया 8x - 4x, 8 + 4 12 होता है, और इसका मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है। ठीक है, ये फैक्टर्स करना आपको आना चाहिए, जैसे जोड़े घटाएं तो 12 आए, और मल्टीप्लाई करें तो ए एन सी का मल्टीप्लाई करें तो 32 आना चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्निक है, आपको आती हुई कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया और यहां से मेरी फैक्टर्स कर लिए, तो एक्स की वैल्यू जो आई 4 और 8 आई। एक सेकंड है, यदि ये फैक्टर करना नहीं आता गुणनखंड, तो एक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा 7th, 8th, 9th में जा भी पढ़ा होगा, कि -b + √b² - 4ac/2a। तो इससे हम कर सकते हैं इसको, मैंने दोनों तरीके से कैलकुलेट किया है, देख लीजिए। -b मतलब कि यहाँ पे क्या है, 12, तो -(-)(+)(-)√b² - 12² - 4ac, एसी मतलब ए मतलब 1 और सी 32/2a। इसको सॉल्व किया तो यहां से देखो 4 8 आया, यहां से 4 8 आया, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डबल डैश कर देते हैं, और एफ डबल डैश करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसमें हम इन वैल्यू को पुट करेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नाउ अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड का, हमारी इक्वेशन सेकंड ये है। ठीक है, तो इसका हमने किया, तो एफ डबल डैश हो जाएगा 3x² + 6x - 36 = 0। तो जी हमारा आ गया एफ डबल डैश x = 6x - 36। अब इसमें क्या करते थे, हम एक बार 4 रखते हैं और एक बार 8 रख के देखते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं, इसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमा, या मेन एक सेपरेट वीडियो है, उसकी टिप्स क्या है, स्टेप्स क्या है, ये आप उसको मस्ट वॉच करें। ठीक है, तो उससे आपको मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, वो आपको सब समझ में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है और मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप उस मेरी वीडियो को जरूर देख लें, तो आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो अभी अपन आगे करते हैं, एफ डबल डैश एक्स 36 ये आ गया, इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं एक बार 4 एन एक बार 8। तो यार नाउ पुट एक्स बराबर 4 एन इक्वेशन, ये थर्ड जो आई उसमें, तो ये क्या हुआ, एफ डबल डैश 4x या 4, और ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर, यहाँ पे मेरा -12 आया। अब -12 आया, इसका क्या जो साइन आया, इसका विशेष ध्यान रखना, माइनस आया मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट। तो हैंस एफ डबल डैश इज नेगेटिव एंड एफ एक्स इज मैक्सिमा एट कहां पे, x = 4। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट। तो एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, x बराबर 4 मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है, मेन फंक्शन है, उसमें x बराबर रख देते हैं 4। आइए यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो मेन क्वेश्चन इसने दिया, इसको हमने फर्स्ट माना इसमें, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, f(4) = इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेते, तो ये हमारी रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू रहेगी।
तो हम इसको कर देते हैं क्या, एफ फोर ये किया देखो, एक्स क्यूब था तो 4 क्यूब माइनस 18, एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 96 जी सारा फाइंड आउट किया, तो ये हमारा टोटल कैलकुलेट करके 160 आया, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ किस इस फंक्शन की या इस इक्वेशन की। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू 160 आई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 पुट कर लेते हैं, तो क्या ये देखिए, नाउ पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन थर्ड, वापस वही थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये देख लीजिए आप यहाँ पे 6x माइनस 36, तो 6 × 8 − 36 ये देख लीजिए, 6 × 8 − 36 इक्वल आया, ये देखो प्लस, वेरी गुड, ये यहाँ पे 12 आया जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे मिनिमम होगा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, इसमें लिखना जरूरी है, हेंस एफ डबल डैश 8 इज पॉजिटिव एंड एफ एक्स इज मिनिमम या मिनिमा एट कहां पर, एक्स बार और 8 पर, हेंस द मिनिमम वैल्यू एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, तो जो मेन इक्वेशन है हमारी उसमें हम क्या कर देते हैं, एक्स बराबर 8 पुट कर देते हैं कहां पे, इस इक्वेशन में एक्स, यहां भी देखिए, तो हमने ये मैंने पुट कर दिया 8888 और इसको फाइंड आउट किया 128, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होगा एक ही में, एक तो फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम फाइंड आउट हो गया और उस मैक्सिमम पे कहां मैक्सिमम वैल्यू वो भी फाइंड आउट हो गई एंड मिनिमम वहां पे कहां मिनिमम वैल्यू हुई वो फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन था और इसकी डिटेल वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है, इसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको मैक्सिमम मिनिमम किसी टाइप क्वेश्चन को आप इसको कर सकते हैं।